पूरी रात में सोया नहीं हूँ एंड पूरी रात मैंने वीडियोस बनाई है। देखो सूरज भी निकल आया है फिर भी मैं अभी सोया नहीं हूँ। अभी क्या करना है, मुझे सलून को जाना है, कटिंग वगैरह कराना है और बाइक को सर्विसिंग को देनी है। देन देखेंगे नेक्स्ट प्लान्स क्या है, क्योंकि विदिन 3 डेज बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है एंड एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। मैं गाँव भी जाने वाला हूँ एंड आज नहीं तो कल देखेंगे कब जाना होता है, क्योंकि एक इवेंट है 12th को जो कॉलेज में है एंड वो होने के बाद आई थिंक जाऊंगा घर को। देन मम्मी को सरप्राइज़ देने वाला हूँ, मैंने मोबाइल लिया है उनके लिए एक, तो आज एंड्रॉयड दे रहा हूँ लेकिन टाइम आएगा जब iOS भी दूंगा। ओके सो चलिए ब्लॉग को देखिए, एंजॉय आएगा। तो मैं शोरूम आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं बाइक अटेंडर का वेट कर रहा हूँ। खड़ी है इधर अपनी डोमिनोज आए सर्विस पे। सो अभी बहुत जल्दी आया, आज 5 मिनट जल्दी आया सर्विस पे। कॉलेज को कभी 5 मिनट जल्दी जाते नहीं है, सर 5 मिनट जल्दी आया सर्विसिंग करने के लिए। अभी आया नहीं है वो बंदा, वेट कर रहा है। ये आया चड्डी पे ऐसे ही शॉर्ट्स पे, वो सलून पे था, उठा के लेके आया। मेरा हुआ है फर्स्ट क्लास, अभी मैं नया नहीं हूँ, सोया भी नहीं हूँ पूरे कल रात से। लड़की देखने, हाँ लड़की देखने जा रहा हूँ, शादी होने वाली है, सबको इन्विटेशन है, बस ऑनलाइन ही देखने का, खाने के लिए नहीं आने का। बहुत सारे इशूज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, ये चूतिया ब्रेक है एंड ए कूलर कम ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो यूज़ हो रहा है कि नहीं, कम ही नहीं हो रहा हो। नेक्स्ट ब्रेक पैड्स देखेंगे, ब्रेक पैड्स होने के बाद यहाँ पर ए वाली लाइट नहीं वर्क कर रही, देख इसके अंदर रहती है तो लाइट है ब्लू कलर की, देख यहाँ लग रही है यहाँ नहीं लग रही, ये वाली लाइट काम नहीं कर रही, इसे इश्यूज आ रहे बहुत सारे एंड इसको वन स्टेप ऊपर कराना है, लाइक हाइट बढ़ानी है इसकी, एडजस्टेबल है। सो लेट्स सी कि कैसे एडजस्ट करते हैं वो लोग, आई डोंट नो। बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है एंड पिंपल्स कब जाएंगे आई डोंट नो, बहुत गंदे दिख रहे हैं लोग। अभी भी नहा के फ्रेश हो चुका हूँ, सो बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ। सो देखेंगे कि कितना बड़ा खर्चा आता है हमारे बाइक को। ओके होपिंग सो कि 3,000 तक आ जाएगा, तो अगर कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पानी पी रहा हूँ। सर्विसिंग के लिए 3 नंबर के लिए था और जितने भी 10th बाइक्स थे सारे चले गए। अभी मेरा इधर ही, आई डोंट नो हुआ है कि नहीं, अभी नहीं होने दे फिर बताता है इनको, कोई इज्जत ही नहीं यार, फ्लैगशिप बाइक है उनको। बजाज वालो सुधरो, देखो क्या हो रहा है। एक देख सकते हो ये चेन, सर्विसिंग किया है, चेन भी क्लीन नहीं हुआ बाइक का, लुक एट दिस, एंड वॉशिंग भी नहीं है। सो इसको वन स्टेप ऑपरेट करने के लिए बोला था मैंने, आई थिंक ये भी नहीं किया उन्होंने, मे बी ये साइलेंसर का, सॉरी सस्पेंसर का, कौन सा डुप्लीकेट ऑयल लगाया आई डोंट नो। साइड हो जा, गियर का लीवर चेक करता लुक एट दिस, देखो कितना क्लीननेस मेंटेन किया है। देखो कस्टमर फोकट की बाइक लेके फोकट की सर्विस कराता है ना बाइक का, ना ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हो चुका है। सो यहाँ पर ऑयल टॉपअप नहीं करना है, ऑयल चेंज करना है। सो मैं पूछूंगा कि उनको ऑयल टॉपअप किया है कि चेंज किया है, क्योंकि मैं जो भी रिसेंट 2 सर्विसेज थे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मैं खुद उसका चेन का जो भी सॉकेट है खोलता हूँ, उसको क्लीन कर रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये सर्विस क्यों करा रहा हूँ पैसा दे। और उधर सर्विसिंग को आया हूँ, कोई भी इज्जत देने के लिए रेडी नहीं है हमको, मतलब ऐसे ही कोई भाई 125 cc वाली नहीं भाई, 400 cc फ्लैगशिप बाइक कौन की है बजाज वालों, देखो सुधरो यार, सर्विसिंग को इम्प्रूव करो, खुद के जो भी आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस है ना उसको इम्प्रूव करो, बाइक क्या आते रहेगी जाते रहेगी। कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल जो भी है ना CRM, कहीं सिखाया कि नहीं आपको कोई यार, हमें सीखा MCA में कॉपी करके। तो यहाँ पर बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, ये बिल देख रहा है प्रशांत बिल कितना हुआ है भाई, दो हज़ार 300 का बिल हुआ है एंड बाइक में कुछ घंटा भी नहीं किया ना वॉशिंग की है ना चेन की क्लीनिंग की है। चलो ये देखो ये क्या बकचोदी है, व्हाट द फक इज दिस, ये गियर ऐसा क्लीन होगा गियर ऐसा, तो फिर गियर अटकना ही है। ये देख भाई यहाँ से देख, माँ बहन एक कर दिया पूरे गियर, इससे अच्छा तो मैं कर लेता। मेरे बाइक के साथ कुछ भी नहीं किया गया, जस्ट ऑयल चेंज किया गया है, ऑयल चेंज करके दे गया। आई डोंट नो कि क्या मतलब, इतना गुस्सा आता है ना, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो आप लोग बोलते हो। सो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रस्ट किए तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया से है बुरा नहीं है, सर्विसिंग इम्प्रूव करो यार, गुस्सा आता है बहुत।
3 लाख रुपया लगाया भाई, एक्सेसरीज पे 40,000 रुपया लगाया, फिर अगर ऐसे आता है क्या हुआ? वो छोड़ो, ऑयल लगाया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का भी नहीं, लेकिन मुझे वो गियर लीवर का गुस्सा आया, जस्ट ऑयल चेंज करके दे दिया है। गलती से भी मत आना भाई, शोरूम दिखाना चाहते हो तो दिखाओ। नहीं नहीं, शोरूम दिखा के ऐसे, शोरूम वाले अच्छे हैं लेकिन क्या करे यार, बजाज वाले अच्छे नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ एक मिनट को, ये मिट्टी देखो इधर, ये देखो, ये मिट्टी एंड ऑयल देख रहे हो क्या, मतलब ये इतनी बकचोदी कौन करता है मेरे भाई, व्हाट इज दिस। सिंपल डीजल वॉशिंग नहीं आती तो बजाज वालों जाओ, इंडिया में आपका कोई काम नहीं है, देखेंगे हम दूसरे कंपनी। मैंने 1 किलोमीटर भी बाइक नहीं चलाई थी तो बाइक में से इतना धुआं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है। देखो मशीन है, प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इम्प्रूव योर कस्टमर रिलेशनशिप। ये क्या धुआं आ रहा है भाई, अभी अभी तो सर्विसिंग करा के आया हूँ। डर से लग रहा है यार, मतलब अभी अभी मैं अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चलाया, पेट्रोल डाला है बाइक पे एंड देख रहा हूँ कि इंजन में से धुआं निकल रहा है। अभी अभी आके देखा तो वो जो भी गार्ड होता है ना, इंजन क्रैश गार्ड, वो भी वाइब्रेट कर रहा है। गप चुप है, डांस करते क्या है, क्या कर रहा था उधर से पूछते हुए। वो नया बंदा है, बीकॉम साइड का, और अभी एचटीएमएल का कोर्स कर रहा है। देखो सुधरो भाई, आईटी दूसरे बीकॉम वाले आईटी में घुस रहे हैं और हम इधर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम गोटे खेल रहे हैं। जी हाँ, और वो वाइब्रेशन भी कर रहा है वो नीचे गार्ड में थोड़ा सा, मैंने बोला था उसके पास मत जा करके। चल अभी शोरूम तो एक ही है, वो दूसरा वाला बहुत दूर था इसीलिए नहीं गया। सो बजाज वालों थर्ड शोरूम तो हो गया। क्या लगा समझ, वो शोरूम वाले बंदे ना इसी टाइप के हैं। चल नो वरीज, जस्ट ऑयल एक्सचेंज किया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया, ना गाड़ी को धोया, ना डीजल वॉश किया, ना पेट्रोल वॉश किया, ना उनका कुछ वॉश किया, और बहुत गुस्सा आया मेरे को, गुस्सा आया उनको भी बोल के आया हूँ कि रेटिंग दूंगा 0 आपको, क्योंकि यार मतलब एक बंदा बाइक को खरीदता है 3.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देता है, फिर भी अगर वो नहीं मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता तो बजाज वालों शेम ऑन यू, आई विल शिफ्ट ऑन KTM, वो भी आपका ही है, लेकिन देखेंगे सर्विस कैसा मिलता है उधर। तो चलो बाय।